ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तान नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमि ऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहम् पयडीणं पच्छयं मोक्षम्। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है, उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ अपनी चर्चा आश्रव अधिकार की चल रही है। आश्रव का ही दूसरा नाम है प्रत्यय। प्रत्यय ने कारण, किसके कारणों की चर्चा चल रही है तो आठ कर्मों के बंध के कारणों की चर्चा चल रही है। तो आठ कर्म का बंध यानी जो आश्रवण होता है आते हैं यानी कारमान वर्गना जो कर्म रूप परिणमित होती है वो क्यों होती है तो उसके कारण क्या है तो पुद्गल के परिणाम और जीव के परिणाम। तो दोनों के ही नाम क्या है मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। उसमें मिथ्यात्वादी कर्मों का उदय कहा तो मिथ्यात्वादी कर्मों का उदय में क्या लिया ना क्या लेना हमको मोहनीय के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उदय तथा हमने देखा ना योग में निमित्त क्या है तो वो कारमान शरीर नाम कर्म का उदय क्योंकि यहाँ कर्म के आने के कारण देख रहे हम। औदारिक शरीर के परमाणु क्यों आते हैं तो उसके लिए कहेंगे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय उसके अंगोपांग का उदय मनोवर्गना अन्य भी वो अंगोपांग में आ जाती है। इसलिए यहाँ हम कर्मों की बात करते हैं तो उसके लिए कारमान शरीर नाम कर्म। कल बात आई थी ना कारमान शरीर से आठ कर्मों का जो स्कंद है उसको कहेंगे कारमान शरीर और कारमान शरीर नाम कर्म ये नाम कर्म का एक भेद है शरीर नाम कर्म का भेद है। तो उसके उदय में क्या होता है जीव के कर्म का आकर्षण आकर्षण करना इन्हें क्या है कारमान वर्गना को कर्मरूप परिणमाना इसकी योग्यता जीव में होती है योग्यता होती है नहीं उसके निमित्तपना बनता है और वो निमित्तपना भी क्यों होता है वो कर्म के उदय में होता है। ऐसा ही परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्योंकि हमने देखा था प्रत्येक कार्य उपादान से अपने में अपने से ही होता है परंतु यहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त की तरफ से कथन करने की पद्धति है। अब हमने विस्तार से मूल प्रत्यय भी देखे फिर उत्तर प्रत्यय भी देखे। पहले पहले हमने प्रत्येक गुणस्थान में कितने उत्तर प्रत्यय होते उसकी चर्चा की उसके बाद हमने मार्गणाओं में भी चर्चा की। वैसे तो पुस्तक में मार्गणा की चर्चा नहीं थी पर इस बहाने हमको मार्गणा भी क्या बात होती है वो सीखने को मिला है ना। थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा की कि मार्गणा कैसी 14 होती है उसके क्या भेद है प्रभेद है और उसमें प्रत्यय कैसे कैसे होते हैं ये जब समझ में आते हैं तो ये जीवों के प्रकार उनके भेद उनकी भी हमें मालूमात हो जाती है। कोई प्रश्न है? हाँ ये मार्गणा की बात कहाँ से निकाली तो मार्गणा ये 14 है और अन्य भी 6 प्ररूपणा है ये 14 और 6 मिलकर इसको कहेंगे 20 प्ररूपणा। पूरे जीवकांड का यही विषय है ये कर्मकांड है ना इसके पहले जीवकांड लिखा गया है तो जीवकांड में जीव की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन आता है। तो 20 प्ररूपणाओं में 14 तो हमने नाम देखे थे तो 20 में पहले गुणस्थान जो 14 गुणस्थान होते हैं तो गुणस्थान के बाद है जीव समास उसकी भी हमने चर्चा की थी।
कि जीव समास किसको कहेंगे? जीवों के जो 14 प्रकार के विभाजन देखे थे, एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, और इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे जो हमने भेद देखे थे, इसको कहेंगे जीव समास। तो पहला भेद क्या हुआ? गुणस्थान। फिर जीव समास, पर्याप्ति। पर्याप्ति की भी हमने थोड़ी चर्चा की थी कि कहीं से मरकर जीव अन्य भव में चला जाता है तो उसके वहाँ शुरुआत होती है, यानी शरीर नाम कर्म का उदय होता है तो परमाणुओं का ग्रहण होता है। तो ये ग्रहण किए हुए परमाणुओं को पहले खल रूप और रस रूप परिणाम की जीव की शक्ति उत्पन्न होती है। वो शक्ति यानी वो निमित्तपना जीव में डेवलप होता है, तो ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है सभी की। सभी पर्याप्ति पहले ही समय से शुरू हो जाती है और क्रम से एक 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 समाप्त को प्राप्त होती है, यानी पूर्णता को प्राप्त होती है। यानी एक बार ये शक्ति डेवलप होने के बाद पूरे उसके जीवन पर्यंत यानी मरण के समय पर्यंत वो पर्याप्ति का जो कार्य है वो चलता रहता है। ये शक्तियाँ तो पहले अंतर्मुहूर्त में डेवलप हो जाती है और बाद में उसका कार्य चलता रहता है। क्या कार्य है? वो तो परमाणु ग्रहण करता है, उसको खलरूप रसरूप बनाना, फिर उसमें से उसके अवयव बनना। खलरूप, खलरूप यानी सॉलिड, रसरूप यानी लिक्विड, और फिर जो इंद्रिय पर्याप्ति में जहाँ इंद्रियों की रचना होनी है वहाँ के आत्म प्रदेशों के द्वारा अपने अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति वहाँ उत्पन्न होती है, वो इंद्रिय पर्याप्ति होती है। श्वासोश्वास पर्याप्ति में क्या है? क्या होता है? हाँ हाँ, वो तो श्वासोश्वास की जो योग्यता जो होती है ग्रहण करने की, वो श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इस तरह से हमने देखा था इसको। ये पर्याप्ति होती है। फिर प्राण, जो 10 प्राणों की चर्चा आती है उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। संज्ञा यानी तीव्र इच्छा, वासना। जीव जिसके कारण दुखी है, इच्छा, उसको कहेंगे संज्ञा। वो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अभी ये तो करणानुयोग परिचय है ना अपनी छोटी पुस्तक, तो उसमें ये शॉर्ट में उसका वर्णन किया है। वो सारी बातें ये जो जीव कांड के 2 वॉल्यूम है उसमें आती है। उसके बाद ये 14 मार्गणा है और अंत में उपयोग नाम की प्ररूपणा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, फिर उसके भेद। इस तरह से जीवों का 20 प्रकार के प्रकार से पूरा वर्णन आता है। ये सारा जीव कांड का विषय है। अभी तो हम मार्गणा में केवल वो प्रत्यय को ही घटित कर रहे हैं, वहाँ तो जीव कांड में ऐसी बातें 20 का वर्णन करने के बाद उसकी एक अपेक्षा लेना है, जैसे गुणस्थान, फिर पर्टिकुलर गुणस्थान में सब लगाना है अन्य 19। कैसे? कि उस गुणस्थान के उसमें कौन कौन से जीव समास हो गए, उसमें उसके पर्याप्तियाँ किसके कितनी होगी, प्राण कितने हो गए, वो सब सारे उसमें क्या लेशा होगी, कौन से ज्ञान हो गए, ऐसा सब। एक कोई भी विषय लेना, 20 में से एक को पकड़ना और फिर उसके भेदों में वो सारे अन्य 19 लगाना। ये भी अपना एक विषय हुआ था यहाँ पर जीवकांड का, दूसरे शिविर में ये लिया था यहाँ पर, उसमें हमने 30 घंटे उस पर चर्चा की थी। तो ये जो सारी मार्गणाएँ हैं ये विषय हमने लिया है जीवकांड पुस्तक में से, और प्रत्ययों की चर्चा तो अपने यहाँ चल रही है। और फिर उसमें ये प्रत्यय को, क्योंकि जब हम मार्गणा देखते हैं तो हमें ये पता है कि वहाँ गुणस्थान कौन सा होगा, वो जीव समास कौन कौन से होंगे, तो उस पर हम अप्लाई करके सोच सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये बातें देखी है मार्गणाओं की बात। तो हम संगी मार्गणा की बात चल रही थी। जो संगी जीव है, संगी का अर्थ क्या होता है? मन सहित, मन वाले जो जीव है, तो संगी पंचेंद्रियों में ही वो मन होता है। कुछ पंचेंद्रिय ऐसे बिना मन वाले असंगी पंचेंद्रिय, और कुछ हो तो संगी पंचेंद्रिय। वैसे संगी पंचेंद्रियों से असंगी की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर भी हमारे आसपास जो पशु दिखते हैं ना हमको, जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, वो नाम लेके पुकारते तो आते, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, घोड़े भी है, वो समझते हैं ना, ट्रेन हो सकते हैं, हाथी है, अन्य भी हमने देखे कितने, वो मछली वगैरह, उनको भी ट्रेन कर सकते हैं, हमने ट्रेंड एनिमल के शोज भी देखे थे। तो ये सारे कैसे संगी जीव है, उपदेश ग्रहण करना है, उसको याद रखना है, इस तरह से वो सोच सकते हैं, ये क्या अच्छा बुरा विवेक कर सकते हैं, उसको कहेंगे संगी जीव। तो ये संगियों में तो सारे गुणस्थान है पहले से लेकर
बारहवें तक, हाँ, तो उसमें 57 आसरव हो गए, सभी लघु होते उसके अंदर। असंगी की बात अपनी आधी रहेगी। असंगी कहने से असंगी केवल पंचेंद्रिय नहीं लेना, एकेंद्रिय भी असंगी है, द्विंद्रिय भी, तीनद्रिय भी, चतुरेंद्रिय भी और असंगी पंचेंद्रिय भी। तो उसमें देखते हैं अभी मिथ्या तो के तो 5 भेद हो गए ही हो गए, अविरति सभी है पर मन की नहीं होगी, 11 हो गए। क्योंकि मन ही नहीं है तो मन संबंधी अविरति का सवाल नहीं है, तो मन बिना बाकी 11 अविरति होगी। अब कषाय कितने हो गए, सभी 25 कषाय हो गए। अब योगों की बात सोचनी है तो असंगी, मेरा ये सवाल है, असंगी जीवों की गति कौन सी है? तिर्यंच गति ही है। मनुष्य में, देवों में, नारकियों में कोई असंगी नहीं होते, तो ये सारे तिर्यंच है। तो तिर्यंच है तो उनके योग कौन सा होगा? एक तो कारमान हो सकता है क्योंकि कहीं से मर कर आए, तो फिर औदारिक मिश्र होगा और पर्याप्त उनके औदारिक का योग भी होगा। अब जो असंगी जीव है और कौन से होगा, वचन योग भी होगा, तो वचन योग कौन सा होगा? एक ही होगा, जिसको कहेंगे अनुभय वचन योग। इतने योग हो गए तो क्या नहीं, पहले मिथ्या तो देखा हमने, अविरति देखी मन बिना, और बाकी 25 कषाय देखे। अब योग में देखना है, योग कितने हैं? कारमान है, औदारिक मिश्र है, औदारिक है ना, और वचन का एक है, इतने हो गए ना। हाँ, तो इतना लेना है, 4 लेना है। तो इसमें क्या नहीं होगा, देखो मन की अविरति नहीं होगी, एक बात, और योगों में वैकृत मिश्र नहीं होगा, वैकृत नहीं होगा, आहारक आहारक मिश्र नहीं होगा, मनोयोग के 4 ही नहीं होंगे और वचन योग के 3 भी नहीं होंगे, और मन की अविरति हमने पहले ही निकाल दी। इतने बिना यानी 12 बिना, वैकृत के 2, आहारक के 2, मनोयोग के 4, वचन योग के 3 और मन की अविरति, समझ में आई बात? इतने नहीं होंगे, कुछ रह गया क्या? 12 नहीं होते ना, 12 नहीं होते तो 45 होते हैं। ये हो गई असंगी की बात, उसमें प्रत्ययों की संख्या। अब एक लास्ट वाली है आहार मार्गणा। पहले हमने देखे थे ना, आहार शब्द से बहुत सारी बातें हमको मालूम है। एक आहार वर्गणा भी होती है, सुनिए कभी क्या होता है। आहार वर्गणा को ग्रहण करता है जीव और उसके, उससे क्या बनता है? औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर, और वो श्वासोश्वास वो सभी आहार वर्गणा से बनती है। तो आहार नाम की वर्गणा भी है, ये आहार नाम की मार्गणा भी है ना। आहार तो आहार नाम के हमने 6 प्रकार के आहार भी होते हैं, तो एक ही शब्द से अनेक अलग अलग बातें होती है, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आहार मार्गणा की, यानी मार्गणा की अपेक्षाओं से सभी संसारी जीवों को हम 2 में विभाजित करेंगे, आहारक और अनाहारक। तो आहारक का अर्थ क्या है? शरीर संबंधी परमाणुओं का जहाँ ग्रहण हो रहा है तब उसको हम कहेंगे आहारक, और अनाहारक किसको कहेंगे? वो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे अनाहारक। तो ये कब होता है? विग्रह गति में, जब कारवान का योग हो रहा है, यानी मोड़ वाली गति में। बिना मोड़ वाली गति में वो जीव आहारक का आहारक ही रहेगा, नहीं समझे? कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि ये तो कारमान का योग के बारे में बहुत प्रश्न भी उठ रहे हैं सबको, मिश्र के बारे में भी बहुत कुछ घोटाले हो रहे हैं ना। देखिए फिर से, विग्रह गति यानी मोड़ वाली गति की बात कर रहे हैं। मोड़ वाली गति कब होती है? कहाँ से मर कर कहीं जाना है। रूल क्या है? आकाश के पंक्तियों में सीधा गमन होगा। सीधा यानी पूर्व या पश्चिम, दक्षिण या उत्तर, ऊपर या नीचे, 6 दिशाओं में जहाँ उसका जन्म स्थान, वो तो नक्की है ना, क्योंकि कर्म बन रही है और वो कहाँ जन्म लेना है वो सुनिश्चित है। तो उस दिशा की ओर उसका जो गमन होगा, मान लेते इस यहाँ से ऊपर के कोने में जन्म लेना है, तो ऐसे तिरछा जाएगा कि नहीं ऊपर?
पहले ऐसा आड़ा जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा और फिर वहाँ पहुँच जाएगा। तीरंचों में तो पहले आड़ा भी जा सकते हैं, मनुष्यों में तो ऊपर जाना है तो सीधा यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, अपने एरिया में से ऊपर चढ़ते। अभी वो तो बात अलग है। और नीचे जाना है तो क्या करेंगे, पहले ऊपर जाके फिर नीचे जाएंगे? नहीं, जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताया जाता है ना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव आठों ही कर्मों का नाश होने के बाद प्रकट होता है, क्योंकि ऐसी प्ररूपणा चलती है कि मरण के बाद ऊर्ध्वगमन स्वभाव से पहले ऊपर जाता है और बाद में नीचे जाएगा जहाँ जाना है। ऐसा है नहीं, ये जो कथन है वो आगम से विरुद्ध कथन है, परंतु ऐसा बहुत जगह सुनने में आता है कि हमने ऐसा ही सुना है। इसमें एक प्रश्न है। हाँ, जैसे तीन समय लगने की बात कही है तो जीव तो अमूर्तिक है, कहीं से भी पार हो सकता है, तो ऐसे कौन से स्थान है जहाँ मोड़ लेने के लिए जाना पड़े, दो में भी कहाँ हो सकता है? हाँ, आपका प्रश्न है ऐसी कौन सी जगह की तीन मोड़े लेने पड़ेंगे, दो मोड़े से काम हो जाता है? जहाँ दो मोड़े लेने से काम चलता है वहाँ तीन मोड़े जीव नहीं लेता। कोई भी क्यूबिकल एरिया होगी, कभी इतना पूरा हॉल ऐसा, तो कहीं से भी कहीं के ऊपर जाने के लिए दो मोड़ से अधिक नहीं लगेगा। पर हमने देखा लोकाकाश कैसा है, ऐसा नीचे सात राज्य है, फिर ऊपर एक राज्य तक, फिर पाँच राज्य और फिर एक राज्य, और ऐसा पूरा ही सात राज्यों तक फैला हुआ है। अब लोकाकाश के नीचे का इनका कोई सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव, उसको ऊपर कहाँ जाना है? वो ब्रह्म स्वर्ग के पास जो है लोग त्रसनाली के बाहर का जीव, और पीछे की ओर कहीं जाना है तो उसको कैसे जाना पड़ेगा? पहले ऊपर चढ़ेगा ना, अलोकाकाश में से जाएगा कि नहीं? पा रहे थ्रू एंड थ्रू नहीं, तो क्या होगा? पहले एक राज्यों के एरिया में बीच में आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर उसको बाहर की ओर जाना है, और फिर कोई और दक्षिणोत्तर जाना है तो फिर और तीसरी बार। तो सूक्ष्म जीवों को ही तीन मोड़ हो गए, बाकी त्रस जीवों को, सूक्ष्म में से त्रस में आने वालों को भी दो मोड़ से काम चलेगा। तो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों को ही तीन मोड़ लगते हैं, और उनके पहुंचने के लिए चार समय कहेंगे, आवाज बहुत आ रही है, परंतु उनमें कारमान का योग कितने समय तक होगा? तीन मोड़ है तो तीन समय, वो एक सूक्ष्म एकेंद्रीय में, ये कथन सर्वत्र नहीं आता, ये सूक्ष्म एकेंद्रीय तीन मोड़ किसी किसी को लगते हैं ऐसा ही आता है, परंतु वो त्रस जीवों के लिए तीन मोड़ नहीं लगते, दो मोड़ में कहीं पर भी पहुंच जाएगा वो जीव। ख्याल में आई ना बात? तो ये अनाहारक जीव जो है कारमान का योग में अनाहारक है। अब कारमान का योग में अनाहारक अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से हो गए, पहले मार्गणा की बात करते फिर हम प्रत्ययों की बात करेंगे। अनाहारक जीवों के गुणस्थान आपको बताना है। हाँ, पहला तो है सब जगह है, हाँ। दूसरे गुणस्थान के साथ भी जा सकता है, दूसरा भी, फिर तीसरा नहीं है, चौथा हो सकता, और हाँ तेरवा, और चौदवा है ना, अनाहारक है, वहाँ कारमान का योग नहीं है, योग ही नहीं है कोई भी, तो अनाहारक ही है। और सिद्ध भगवान तो है ही, हम सिद्धों को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे, पर जब प्रत्ययों की चर्चा चल रही है तो जहाँ मैक्सिमम प्रत्यय होगी उस सबको ले लेंगे हम। पहला दूसरा चौथा, तेरहवे में भी है ना कारमान का योग, वहाँ पर भी, और चौदवा गुणस्थान भी अनाहारकों का है, क्योंकि वहाँ योग ही नहीं है। बाकी अनाहारक जो है वो कारमान का योग वाले, और चौदहवें वाले है योग ही नहीं है, इसलिए अनाहारक है वो भी, है ना? वहाँ तो कर्म का भी ग्रहण नहीं है, शरीर का तो है ही नहीं है। तो ये अनाहारकों के अभी हमको प्रत्यय देखना है। तो मिथ्या दृष्टि भी है ना वो अनाहारक वाले, तो पांच मिथ्या तो होगी होगी, हाँ। तो अविरति कितनी होगी? सब बारह के बारह अविरति भी होगी। कषाय कितनी हो सकती है? 25 कषाय होगी। योग कौन सा हो सकता है? एक ही होगा। तो क्या नहीं होगा? 14 नहीं होगी। एक कारमान का योग छोड़कर अन्य कोई योग इस अनाहारकों को नहीं होगा। उसका अर्थ क्या है? कितने रह गए अभी? 43 रह गए। अभी आहारक किसको कहेंगे अभी हमने समझ में?
तो जन्म से मरण तक तो आहारक रहता ही रहता है, और कौन आहारक कंटिन्यूस रहेगा? रुजुगति से जाने वाला। रुजुगति समझते हैं, क्योंकि बिना मोड़ से जाने वाला। तो कोई जीव एक भाव से रुजुगति से यानी बिना मोड़ से दूसरे भाव में गया, वहाँ से भी फिर रुजुगति से गया, वहाँ से भी फिर रुजुगति से, ऐसा हो सकता है। शास्त्र में ऐसे जो होते हैं ना मार्गणा वगैरह, उसका अधिक से अधिक काल भी बताया जाता है कि कोई जीव लंबे काल तक आहारक का आहारक ही रहे, यानी हर भाव में से मरकर वो रुजुगति से ही आगे गया, सुना है? तो कितने काल तक वो आहारक का आहारक रहेगा, ऐसा कथन शास्त्र में आता है। हाँ, ये हमारे सब बातें बता रहे हैं। हाँ हाँ, अंगुल का असंख्यात भाग किसने बताया? हाँ, मंजूताई ने। हाँ, मैंने बोला ना हमारे यहाँ स्वाध्याय में आने वालों को तैयार है, हमारे से मंजू बहन है, लक्ष्मी बहन है, और बहुत हमारी जया बहन है। अंगुल का असंख्यात भाग का अर्थ देखते हैं। ये असंख्यात को बताने के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं। सुबह हमने पल्ल को देखा था, याद है? हाँ, पल्ल और सागर भी असंख्यात के माप है। अब ये पल्ल निकालने का एक तरीका बताते हैं। हमारे शास्त्र में एक द्विरूप वर्गधारा नाम की एक धारा, एक सीक्वेंस आता है। जैसे हम पहाड़ी याद करते हैं ना मराठी में, बे के बे, बेदुनिचार, बेत्रिक्षा, वो क्या कहेंगे? वो एक सीक्वेंस है उसका। वैसे ही द्विरूप यानी दो, वर्गधारा, ये दो का वर्ग क्या है? चार। चार का वर्ग? सोलह का वर्ग? 256। 256 का वर्ग? अरे ना ना, क्यों कह रहे बोलो, कितना होता है? 65536, जिसका दूसरा नाम है पन्नट्ठी। पन्नट्ठी का वर्ग? बादाल, वो 42 से शुरुआत होता है, 42 से बादाल। बादाल का वर्ग? इकट्ठी, वो कितना? 20 डिजिट प्रमाण है। इकट्ठी से कुछ याद आ रहे क्या? अक्ष, बहुत अच्छा। इकट्ठी माइनस एक इज इक्वल टू जिनागम के सब अपुनरुक्त अक्षर। नहीं समझे? हाँ, अच्छा, असंख्यात की बात, वो बाद में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसको कहेंगे द्विरूप वर्ग धारा। दो का कितने बार वर्ग किया? एक बार किया तो चार आया, दो बार किया तो 16, 256, फिर पन्नट्ठी, फिर बादाल, फिर इकट्ठी, 6 बार ही हुआ। अभी ऐसे 6 बार हुआ तो ऐसे असंख्यात असंख्यात बार करते गए, तब जाके पल्ल नाम की संख्या आई। बराबर, यहाँ तक ये तो पल्ल हुआ, वो भी एक असंख्यात का प्रकार है। अब उसके आगे जितने बार असंख्यात बार वर्ग करने के बाद पल्ल आए ना, एक्स बार हम कहेंगे, तो और पल्ल का भी और वर्ग करते जाओ। पल्ल का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, कितने बार? उतने ही असंख्यात बार, यानी एक्स बार, तब जाके अंगुल आता है। अंगुल तो इतना सा है और पल्ले तो कितना बड़ा गड्ढा है, पर वो पल्ले में हम तो समय गिन रहे थे, रोमखंड पहले गिन रहे थे, और यहाँ अंगुल में, अंगुल में क्या गिनना है? प्रदेश गिनना है। अंगुल यानी सिंगल लाइन में प्रदेशों को अगर हम रखेंगे तो इतने से एरिया में कितने प्रदेश रहेंगे, तो इतने असंख्यात प्रदेश, आकाश के प्रदेश कहो, एक एक सिंगल परमाणु को, एक ही बात है, तो इतने होते हैं। तो अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक, क्षेत्र से काल को गिनने की पद्धति है। कैसे? हमको तो काल यानी समयों को गिनना है। अब उसमें कितने समय चले जाएंगे ऐसे, तो कहते अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय, उसका अर्थ क्या है? अंगुल के असंख्यात वे भाग यानी वो आंखों से दिखेगी नहीं, उतनी एरिया में इतने प्रदेश है कि उतने प्रदेशों के बदले एक एक प्रदेश के लिए एक एक समय गिनेंगे। समय कितना सूक्ष्म है, आपने सुना था सुबह, तो एक प्रदेश इज इक्वल टू एक समय। तो अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण में इतने प्रदेश है कि अगर उसको हम समयों में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी कितना काल बीत जाएगा? असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी चली जाएगी। इस सूक्ष्मता का मालूम है ना, प्रदेशों की सूक्ष्मता क्या है? एक उत्सर्पिणी में और अवसर्पिणी कितना काल लगता है? 10 और 10 कोड़ा कोड़ी सागर। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी समझते ना, जैसे पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्या हो गई? अवसर्पिणी।
उस सर्पिणी में उल्टा, तो 10 कोड़ाकोड़ी सागर और 10 कोड़ाकोड़ी सागर मिलकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर होते हैं। एक सेकंड में तो कितने असंख्यात समय है, तो ये कितने सागरों में वर्ष कितने होंगे, उसमें समय कितने होंगे। और खाली एक कल्पकाल नहीं, उसको कल्पकाल कहेंगे, उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी मिलकर एक कल्पकाल के, एक नहीं असंख्यात, ऑर्डिनरी असंख्यात नहीं है, परिता संख्यात भी नहीं है, युक्ता संख्यात भी नहीं है, असंख्याता संख्यात, असंख्याता संख्यात कल्पकाल चले जाएंगे। इतने काल तक आहारक का आहारक रहा, यानी रुजुगति से रुजुगति में ही जाता रहा। तो खाली जो केवल ऊर्ध्वगमन से ऊपर ही जाता है मानते हैं, तो ये सीरियस पॉसिबल है क्या? ये पता है हमारा आगम ऐसे चमत्कारों से भरा है, हमको तो बाह्य में ही चमत्कार लगता है, और इनको जानने वाला ज्ञान मैं हूँ, इसका चमत्कार तो कभी जीव को लगा ही नहीं आज तक। जो जानने में आते हैं ना ज्ञेय, उसका चमत्कार लगता है, जानने वाले का चमत्कार लगा ही नहीं कभी, है ना? क्या कहते हैं, तो आहारकों की बात देखी हमने, लगातार आहारक बनने का काल। तो मेरा एक प्रश्न है, लगातार अनाहारक कितने काल तक रहेगा कोई जीव? सिद्धों की बात नहीं लेना, मैक्सिमम मैक्सिमम तीन समय ये कारमान का युग की अपेक्षा, 14वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त, और सिद्धों की अपेक्षा अनंत काल, और स्वभाव की अपेक्षा तो ये हमने मार्गणाओं में विशेषताएं देखी, तो इससे हमें थोड़ा मार्गणाओं का भी पता चला है। देखो ये मार्गणाओं से जानने से क्या लाभ है, इन सब मार्गणाओं में हम अनादि से ही घूमते आए हैं। अभी जो हाँ अनाहारक के गुणस्थान पहला, दूसरा जहाँ कर्म यानी जहाँ मरकर जा सकता है, तो दूसरे गुणस्थान के साथ भी मरकर जा सकता है, चौथा गुणस्थान भी हो सकता है, तेरवा भी होगा क्योंकि वहाँ पर भी प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर में होता है, और फिर चौदहवा गुणस्थान अनाहारक का, गुणस्थानों में यानी संसारी जीवों में। सिद्ध तो अनाहारक होते ही होते हैं, पर हम मार्गणाओं को सिद्धों में नहीं, पहले संसारी जीवों में घटित करते हैं। आपको अनाहारक का पहला गुणस्थान नहीं समझ में आया, अनाहारक कब होता है? मोड़ वाली विग्रह गति में। तो मोड़ वाली विग्रह गति में कौन से गुणस्थान से जा सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के साथ मरकर देव में जा रहा है, एक मोड़ लेकर या दो मोड़ लेकर जा रहा है, तो दो समय तक वो अनाहारक है। तो अनाहारक है उसका गुणस्थान कौन सा होगा बोलो? पहला, समझ में आई? अब कोई सासाधन के साथ मरकर जा रहा है तो उसका गुणस्थान सासाधन होगा, और कोई चौथे में मरकर जा रहा है अन्य भव में तो उसका चौथा गुणस्थान होगा। जैसे तीर्यंश मरकर देव जा देव में जा रहे, देव मरकर मनुष्य में आ रहे, तो ये अनाहारक खाली विग्रह गति में ही होगा। अनाहारक खाली विग्रह गति में तो सामान्य से देखा हमने, केवली समुद्रात में भी होता है और 14वें गुणस्थान में भी होता है, वहाँ योग ही नहीं है इसलिए वो अनाहारक हो गए। आहारक में गुणस्थान बोलो, अभी आहारक के गुणस्थान बोलो, 1 से 13 शरीर का ग्रहण है ना सब जगह। हाँ, आहारकों के कारमान का योग नहीं है, कारमान का योग नहीं है क्योंकि वो अनाहारक है उत्तर वहां उस समय। हाँ, आपका प्रश्न है असंख्यात कल्प कालों के बाद एक हुंडाव सर्पिणी आता है, ऐसा ही स्वरूप है जो भगवान के ज्ञान में आया है, उसका कुछ हम हेतु नहीं लगा सकते। कर्णानियोग के जो नियम होते हैं या कोई जो कथन होते हैं वो केवल ज्ञानी ने जानकर बताए हुए हैं, किसी ने बनाया तो है ही नहीं है, है ना? तो ये हमारा अभी जो चल रहा है तो हुंडाव सर्पिणी हुंड अवसर्पिणी काल है, खोटा काल है, निकृष्ट काल है। पर निकृष्ट काल से क्या लेना देना है? इतने निकृष्ट काल में इतना उत्कृष्ट उपदेश हमें मिल गया है बिल्कुल इजी करके। देखो गुरुदेव जैसे
देखो दो जीव सिमंदर भगवान के समरण में था, वहाँ कैसे परिणाम हुए होंगे खोटे, तो मनुष्य भी बांध कर यहाँ आए, तो मिथ्या तो में तो आए हैं, वहाँ सम्यक तो होकर छूटा के नहीं, हमको मालूम नहीं है, वो हमारा विषय भी नहीं है। तो यहाँ कोई अन्य संप्रदाय में जन्मे सानकवासी में, और वहाँ स्वयं के पुरुषार्थ से ये दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास करके पूर्व की देशना हुई, तो यहाँ उसका अर्थ भी समझ में आया। ऐसे ही खाली शास्त्र वासने को देशना नहीं कहते, देशना ज्ञानी की ही होती है। हाँ, टेप नहीं चलती, नहीं चलती है ना, उसको देशना नहीं कहेंगे। देखो जिसके पहले देशना मिल चुकी है उसको ऐसे निमित्त होते हैं, है ना। तो मेरा प्रश्न है, ये गौतम गंधर्व हुए थे ना, कौन हुए थे, इंद्रभूति, तो उनको महावीर भगवान की देशना मिली कि नहीं मिली? कोई कहते हैं नहीं मिली, कोई कहते मिली है। हाँ हाँ बोलो बोलो, मिली का नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? देखो देखो, वो तो वेदांती थे, है ना, वो आए समोसरण में, मानस समय ने जिन बिंब देखा, जिन बिंब देखा मान गल गया का अर्थ क्या है, समय दर्शन हुआ। तो मुनि दीक्षा तो बाद में अंदर में जाके ली उन्होंने, भगवान के सामने जाके मुनि दीक्षित हो गए। तो उनको देशना कहाँ से मिली? पूर्वों की देशना थी, तभी कार्य हुआ होगा या होकर छूट गया होगा, जो कुछ हुआ होगा। तो देशना तो तीन भवन तक चलती है, हाँ संगी पंचेंद्रिय होगा तो ही, बीच में अगर असंगी होगा तो उस धारा छूट जाती है ज्ञान की। तो वो काम कर गई, हाँ, क्योंकि जिन बिंब को देखा है, परंतु जिन बिंब को देखा तो स्वयं आत्मसन्मुख होकर वो कार्य हो गया, पर उस देशना को कहेंगे निमित्त। और बाद में अंदर जाके जो मुनि दीक्षा दीक्षित हो गए, स्वयं दीक्षित हो गए भगवान के सामने, और फिर उनका सातवां गुणस्थान प्रकट हुआ, सातवां गुणस्थान तब जाके प्रकट हुआ। ऐसा ही नियम है कि तीर्थंकर के सामने जो दीक्षित होते हैं ना, वही गंधर्व हो सकते हैं, पहले से वो जो मुनि थे बैठे हुए वो तो नहीं हो सकते। तो 66 दिन तक कोई मुनि नहीं बैठे थे वहाँ पर, 12 सवा फूली खचोखच भरी हुई थी ना, तो वहाँ पर एक मश्करी गोशाल मुनि बैठे थे, तो वो कौन से थे? पार्श्वनाथ भगवान के गणधर के शिष्य, डायरेक्ट गणधर के शिष्य। तो उनको इतना गुस्सा आया कि मैं गणधर नहीं बन सका, और ये बाहर का कोई आदमी आया अन्य संप्रदाय का, और वो गणधर बना, तो कितना गुस्सा आया। जैसे गुरुदेव अन्य संप्रदाय से आए और दिगंबरों को दिगंबर शास्त्र सिखाने लगे, तो यहाँ गुस्सा आना स्वाभाविक था कि नहीं था? ये परंपरा तो महावीर से बनी है। अरे अन्य मतियों ने अपना कल्याण कर लिया है, ये बनारसी दास कौन थे? श्वेतांबरी थे। और ये हमारे श्रीमद जी, वो तो वैष्णव और श्वेतांबर का मिक्सचर था घर में, तो बाद में जब दिगंबर शास्त्र पढ़े तो उन्हें अपना कल्याण कर लिया। और ये परंपरा बनी है, ये हुंडा अवसर पर नहीं कह दो उसको अभी। क्या करे, जिसको कल्याण करना है ना उसके लिए निमित्त तो उसी को कहेंगे जो कार्य करता है, जो कार्य ही नहीं कर रहा है उसका निमित्त का आरोप भी कैसे आएगा उसके ऊपर। हाँ, तो आश्चर्य क्या है? हाँ, आपका प्रश्न ये है, अभी जो प्रश्न है तो उसको पहले समझने के लिए हम थोड़ी ट्राई करेंगे। उन्होंने एक शब्द वापरा सम्मूर्छन, ये सम्मूर्छन क्या है? तो जन्म के तीन प्रकार होते हैं, एक उपपाद जन्म जो देव और नारकियों के होता है, देवों के जन्म के स्थान होते हैं ना, उपपाद शैया होती है, और वहाँ कोई जीव मरकर वहाँ चला गया तो वहाँ अंतर्मूर्त में उनकी छह पर्याप्ति पूरी होती है और युवान ही वहाँ उत्पन्न होते हैं। हमारे जैसे पहले गर्भ में आया, बालक हुआ, फिर 9 महीने रहा, फिर गर्भ उसके जन्म हुआ, जिसको हम कहेंगे जो हम बर्थ डेट कहेंगे, वो तो पहले गर्भ में आए तभी उसका मनुष्य भाव शुरू हुआ था। वैसे वहाँ कुछ है ही नहीं है, वहाँ कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। नारकियों में भी उनके जो उपपाद जो कोई एरिया होती है ना ऐसे छतों पर, तो वहाँ वो
छह पर्याप्ति पूरी होकर अंतर्मूर्त में वो नारकी बन जाता है और वहाँ से नीचे वो गिर जाता है। ये हुआ उपपाद जन्म। दूसरा होता है गर्भ जन्म। गर्भ जन्म में क्या है, स्त्री और पुरुष के जो निमित्त से ये जो वहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं गर्भ में आते हैं, तो गर्भजों में तो वो अंडज वो उसमें ही आते हैं, उसमें अंडज पोतो जन्म और वो जरायुज वगैरह सब उसके भेद है। तीसरा भेद है सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन किसको कहेंगे, सम्मूर्छन है आसमान से वो परमाणु को या पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करके वहाँ शरीर बनता है। विशिष्ट पुद्गल स्कंधों में उत्पत्ति होती है, वो जिन पुद्गल स्कंधों में उनकी उत्पत्ति होती है उसको कहेंगे वो तो उसके योनि स्थान, और उन्हें अपने आप ही वो सारे पुद्गलों की जो विशिष्ट पुद्गलों के संयोग होकर वहाँ उनके शरीर की रचना होती है, उनके भी पर्याप्ति वगैरह सब हो जाती है, उनको कहेंगे सम्मूर्छन। अब ये सारे लब्धि अपर्याप्त जीव तो सम्मूर्छन होते ही होते हैं, एक बात विशिष्ट वातावरण में उत्पन्न होते हैं। वातावरण में कैसे, जैसे आप दालें वगैरह भरते रखते हैं और उसमें वो तो बहुत अच्छी तरह से पैक करके रखा तो अंदर वो जीवाणु कुछ कीड़ उत्पन्न होती है, कैसे हुए वो सारे सम्मूर्छन जीव है। फ्रिज में रख दिया हमने तो वहाँ उस वातावरण में उस जाति के जीव उत्पन्न हो गए कि नहीं हो गए, कि फ्रिज में रख दिया तो ऑल प्रूफ हो गया, क्यों वहाँ उस जाति के उत्पन्न होते रहे, वो सम्मूर्छन जीव है। तो ये सम्मूर्छन जीव तो लब्धि अपर्याप्त भी होते पर्याप्त भी होते, तो एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, एक बात। पंचेंद्रिय तीरेंचों की बात करते हैं, मनुष्य जो है लब्धि अपर्याप्त मनुष्य है वो तो सम्मूर्छन होते हैं, विशिष्ट वातावरण में उत्पन्न होते हैं, और जो मनुष्य हम आप जो है वो सारे गर्भज है, माँ के गर्भ में आने वाले सारे पर्याप्त ही होते हैं, भले वो एक मिनट में भी मर क्यों ना जाए, वो उनका पर्याप्त भव है, तो वो कौन से गर्भज है। अब तीरेंचों की बातें, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, गर्भज भी होते हैं सम्मूर्छन भी होते, पर्याप्त जीवों की बात है। अपर्याप्त तो सम्मूर्छन होते ही होते हैं, पर पंचेंद्रिय तीर्यंचों में विशेषता है, वहाँ सम्मूर्छन जीव पर्याप्त सम्मूर्छन जीव भी होते हैं और करोड़ पूर्व की आयु वाले भी होते हैं, असंगी भी और संगी भी। अभी जो बात आपने पूछी कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात महामत्स्य जो सम्मूर्छन है पंचम गुण स्थानवर्ती, तो सम्मूर्छनों में एक विशेषता है वो औपशमिक सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते, पर उनमें जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो वहाँ सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, चौथे में कोई पांचवे में भी जा सकते हैं। सम्मूर्छन जीव वेदक सम्यक्त्व जिसको कहेंगे वो वहाँ भी अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूरी होती है और अंतर्मूर्त में विशुद्ध परिणाम होकर अंतर्मूर्त में वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। और ये गर्भजों के लिए पहले गर्भ का काल छोड़ना पड़ेगा और फिर जन्म के बाद मनुष्यों के लिए 8 वर्ष और तीर्यंचों के लिए यथायोग्य समय छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उनको सम्यक्त्व की योग्यता होती है। इसलिए आपका जो प्रश्न था कि सम्मूर्छन महामत्स्य असंख्यात ऐसे कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती है वहाँ स्वयं रमण समुद्र में, तो सम्मूर्छन पर्याप्त भी होते हैं क्या, तो होते हैं, ये उसका उत्तर है। फिर से गर्भज मनुष्यों में 14वें गुणस्थान तक है, हाँ गर्भज तीरंचों में होता है ना, होता है ना, भोग भूमि में 4था गुणस्थान है, बाकी कर्म भूमि वाले तीरंचों में 5वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होता है, भोग भूमि वाले भी गर्भज ही होते हैं। देखो देखो ये कंडीशन जो है सम्मूर्छन जो तीर्यंच है पंचेंद्रिय उनमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, पर वो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो कौन सा होगा जो वहाँ सादी मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ है पूर्व भव में सम्यक तो होकर छूट गया है और वहाँ जन्मे है तो मिथ्या तो में जन्म हुआ है उनका, क्योंकि वो कर्मभूमि के तीर्यंच है तो मिथ्या तो में ही जन्म होगा उनका, तो वो जीव है सत्ता में वो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या तो वगैरह सारी प्रकृतियाँ पड़ी है, तो वो जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा होगा वेदक सम्यक जिसका दूसरा नाम है क्षोभम सम्यक।
अभी आगे हम बढ़ना है, अपना विषय थोड़ा आगे बढ़ेगा। देखो अभी तक हमने मार्गणाओं में सारी विशेषताओं को देख लिया है, अभी हमको देखना है, अभी निकालिए पेज नंबर 693, 693, गाथा 791 को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी तक हमने आश्रमों के कुछ कथन देखे गुणस्थानों में, अब वो कितने कैसी बातें हमने जो मिथ्या तो 5 अविरति 12 ऐसा जो देखा था, वो नाना जीवों की अपेक्षा बात की थी। नाना जीव है क्यों से वो गुजराती वाला नाना नहीं अनेक जीवों की अपेक्षा, यानी सभी जीवों की अपेक्षा वो बात थी। अब यहाँ क्या बात है, एक जीव की एट ए टाइम एक समय में उसके कैसे कैसे प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं। फिर से यहाँ देखो हेडिंग देखते हैं गाथा का 791 का जो हेडिंग है ना ऊपर, आगे आश्रमों के विशेष कथन करने के लिए अधिकार कहते हैं। ये विशेष कथन यहाँ से शुरू हो जा रहा, अभी पहले मिला आपको 791 नंबर की गाथा है, हाँ, और 693 नंबर का पृष्ठ है। गाथा पहले पढ़ते हैं हम। अवरादीनम ठाणम ठाण पयारा पयार कूड़ाय कुड़ुच्चारण भंगा पंचविहाहों की इगि समय। अभी उसकी टीकाएं नहीं, उसका अर्थ देखते हैं। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थान, यानी स्थान किसके आश्रम के स्थान, अभी किसको क्या कहना वो देखेंगे हम। तो एक बात क्या बताने वाले, स्थानों की चर्चा करेंगे। दूसरी बात स्थान प्रकार, यानी मान लेते हैं ना कि कहीं पर कितने आश्रम है एक जीव को एक समय में, तो मान लेते हैं 10 है 11 है जो कुछ है, तो 10 तो संख्या हुई प्रत्ययों की, तो प्रत्ययों की संख्या 10 या 11 हुई तो वो कितने प्रकार से वो 10 या 11 नंबर आ सकते हैं, उसको कहेंगे स्थान के प्रकार। हम देखेंगे तब ख्याल में आ जाएगी बात। पांच नाम पहले देख लेते हैं हम, अभी क्या सीखने जा रहे हैं, स्थान। स्थान में उनमें उस जीव को मिनिमम कितने प्रत्यय हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने प्रत्यय हो सकते हैं। मिनिमम को कहेंगे वो जघन्य स्थान और मैक्सिमम को कहेंगे उत्कृष्ट, और बीच वाले जो सारे वेरिएशन है उसको कहेंगे मध्यम। तो पहले में पहले स्थान की बात बताएंगे, उसके बाद दूसरा क्या बताएंगे, स्थान प्रकार, यानी उतने नंबर वाले स्थान कितने प्रकार से आ सकते हैं उसको कहेंगे स्थान प्रकार। तीसरा क्या है, कूट प्रकार, ये कूट क्या होती है, उसकी रचना कैसे करना, उसको कैसे समझना, उसकी बात इसमें कूट में आएगी। फिर कूटोच्चारण विधि, यानी कूट का उच्चारण करेंगे, यानी कैसे कूट तो बनाए हमने लिख दिया, तो उसको किस तरह से बोलना उसको कहेंगे कूट का उच्चारण करना, कूट उच्चारण विधि उसका विधान। और फिर उसके भंग, पांचवा कौन सा प्रकार है, भंग। स्थान में होता है नंबर ऑफ कितनी प्रकृतियों का उसका उदय है, यानी कितने प्रत्यय है उसको कहेंगे स्थान, और वो प्रकृतियाँ बदलने से वहाँ पर उसके हो जाएंगे भंग, यानी कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग पद्धति से हो गए तो उसको क्या कहेंगे हम, भंग। उसकी चर्चा करेंगे, अभी यही सब विषय चलने वाला है। ऐसे प्रत्ययों के पांच प्रकार है, प्रत्यय ने आश्रव की बात चल रही है ना, तो आश्रव को इस पांच प्रकार से पूरा विस्तार से समझाने वाले हैं। वे एक काल में होते हैं, दूसरी भाषा में एक जीव के एक काल में जो उसके स्थान पाए जाएंगे, स्थानों के प्रकार पाए जाएंगे, जो उसके हम कूट रचना करके बताएंगे, फिर कूट को किस तरह से कहना उसको भी बताएंगे, और उसमें अन्य अन्य कौन कौन से भंग हो सकते हैं उस सब की चर्चा यहाँ आने वाली है। ये सब बहुत बड़ा अधिकार यहाँ से चलेगा। किसी का प्रश्न था ना कि एट ए टाइम एक जीव को हमको अभी कितने प्रत्यय हो गए, अभी इसमें से हम नक्की कर सकते कितने प्रत्यय है ना। अभी नीचे का हम देखते हैं, अभी ये जो है क्रम से 6 गाथाओं से बातें आने वाली है। पुस्तक में तो क्या है, जो कोई प्रकार बताते वो मिथ्या तो साधन वगैरह सब में बताएंगे, फिर उसका स्थान बताएंगे, फिर स्थान के प्रकार वो सब में बताएंगे। हम इस पद्धति से चलेंगे, एक मिथ्या तो गुणस्थान ही लेकर चलेंगे, और एक ही गुणस्थान में उसके स्थान, स्थान प्रकार, उसके कूट, कूटोच्चारण और भंग, एक ही गुणस्थान में समझने से हमें वो किसको क्या कहते हैं वो ख्याल में आ जाएगा। फिर हम जहाँ जहाँ वो बात आती है सासादन की, फिर वो फिर पहले से सभी को देखेंगे। इस तरह से अगर देखने से हमें थोड़ा वो सरल होने की संभावना है,
केवल उसका वर्णन पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। घबराने की बात नहीं, बिल्कुल स्लोली चलेंगे हम। अभी तक तो विषय समझ में आया ना, यहाँ तक तो गुणस्थान और मार्गनाथ स्थान इतना भी समझा और उसमें कितने क्या प्रत्यय होते वो भी समझे, ये भी समझेंगे, बहुत आसान है। वहाँ तो सभी को एट अ टाइम देखना था, हमें एक जीव को एक समय में कितने हो सकते उसकी बात यहाँ करनी है। तो अभी गाथा पढ़ते हम 792 नंबर की। दस अठार सदसयम सत्तर नव सोलसम चोन्नमपी अठय चौदसपणयम सत्तिये दुति दुगे गमे गमदो। देखो टीका, एक जीव के एक काल में पाए जाते हैं ऐसे प्रत्ययों के समूह को स्थान कहते हैं। अभी स्थान का अर्थ कितना सरल हुआ, स्थान किसको कहेंगे, एक जीव को, एक समय में, एक काल में कितने प्रत्ययों का समय, समूह का अर्थ क्या है। हमने मूल प्रत्यय कितने देखे थे, चार, तो एक समय में मिथ्या तो कितने हो गए, पांच एट ए टाइम नहीं हो गए। एक समय में किसी भले उस जीव को पांचों प्रकार हो सकते हैं पर एट ए टाइम नहीं, तो उसके मिथ्यात्व का कौन सा होगा। फिर अविरति एट ए टाइम कितनी हो सकती है ना, और फिर वो देखेंगे हम कितनी हो सकती है। फिर उसमें कषाय एट ए टाइम कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर उसमें योग एट ए टाइम एक समय में कितने हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। और वो कैसे बदलते हैं तो उसके प्रकार क्या वो बताए। तो स्थान का अर्थ होता है नंबर ऑफ प्रत्यय, एक जीव को एक समय में जितने नंबर ऑफ प्रत्यय हो गए उसको कहेंगे स्थान। जैसे हमने बंधस स्थान देखे थे, एक जीव एक समय में, अभी किसी नाम कर्म के बंधस स्थान ने एक जीव एक समय में नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां बांध सकते हैं, तो अलग अलग उसके जो एक इंद्रिय का बंद कर रहे तो 23 वाला स्थान अलग होगा, 25 वाला अलग होगा, देवगति बांध रहा है तो 28 का होगा। इसको क्या कहते हैं, बंध के स्थान। ऐसे उदय के भी स्थान अलग अलग देखे थे, ऐसे यहाँ किसके स्थान देख रहे, प्रत्ययों के स्थान। यानी एक जीव को एक समय में ये कितने प्रत्यय हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ प्रत्यय कितने हो गए उसको कहेंगे उसका स्थान। वो गुणस्थानों में अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि कहाँ, अब ये इसलिए हमने इतनी जो चर्चा की थी कौन से गुणस्थान में कितने प्रत्यय होते हैं, कितने कषाय होते हैं, कितनी अविरति होती, वो अब यहाँ काम आने वाली है। क्योंकि एक जीव है और एक समय है तो उसका कोई पर्टिकुलर गुणस्थान तो होगा, तो वहाँ पर हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर टीका की पहली लाइन, एक जीव के एक काल में पाए जाते हैं ऐसे प्रत्ययों के समूह को स्थान कहते हैं। यानी एक जीव को एक समय में यानी एक काल में जितने नंबर ऑफ प्रत्यय है पाए जाते, मूल प्रत्ययों के उत्तर भेदों को देखना है, उसको क्या कहेंगे, उसके स्थान कहेंगे। अब उसको कहेंगे उनको गुणस्थानों में कहते हैं। गुणस्थानों में यानी पहले गुणस्थान में कितने स्थान है, दूसरे में कौन कौन से स्थान है, तीसरे में कौन से है, उसकी सब यहाँ चर्चा चलेगी। मिथ्यात्व में यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में जघन्य दस का यानी दस वाला एक स्थान होगा, दस प्रत्यय है वहाँ पर, ये कौन से वो देखेंगे, पहले उसके नंबर बता रहे हैं। यानी दस प्रत्ययों का एक स्थान पाया जाएगा, यानी उसके दस प्रत्ययों का उदय है, उसके कारण वहाँ उसका बंद हो रहा है। तो मध्यम एक एक अधिक जब तक उत्कृष्ट 18 का स्थान होता है, उसका अर्थ क्या है, मिथ्यात्व तो गुणस्थान में किसी को 10 का स्थान है, किसी को 11 का, किसी को 12 का, किसी को 13 का, किसी को 14 का, किसी को 15 का, किसी को 16 का, जिसकी 17 का, जिसकी को 18 का, हर्ष इतने स्थान हो गए है ना। वो किस तरह से डिराइव करेंगे वो अभी हम देखेंगे, वो बताने वाले हैं पूरा भावार्थ इसी का। मिथ्यात्व तो में एक जीव के एक काल में 57 आश्रमों में से ये नाना जीवों की अपेक्षा, प्रश्न सुनना बराबर, नाना जीवों की अपेक्षा से मिथ्यात्व में कितने हमने आश्रय देखे थे प्रत्यय, 55 आहारक द्विग बिना 55, पर एक जीव को 55 हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते। तो एक जीव को एक काल में कितने होगी उसकी बात करेंगे हम। तो मिथ्यात्व में एक जीव के एक काल में 57 आश्रयों में से जघन्य तो 10 होते, मिनिमम पॉसिबल 10 हो गए, एक बात। मध्यम 11 या 12 या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 होते, ये मध्यम
के भेद अनेक होते हैं, नहीं समझे? जघन्य वाला कोई एक ही होगा और उत्कृष्ट वाला भी एक होगा, जैसे जघन्य 10 कहा, उत्कृष्ट 18 का एक है, बीच वाले सारे मध्यम। तो कहते उत्कृष्ट 18 होते हैं, ऐसे ही अन्यत्र जानना, जहाँ जितने स्थान बताएंगे जघन्य फिर उत्कृष्ट और मध्यम वाले, वैसे वैसे वहाँ जानना। अब सासादन में कितने होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या 10 होते हैं, क्या 11 होते हैं, कैसे होते हैं, केवल उसके नाम यानी संख्याएं पढ़ने से कुछ बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वो कौन से होते हैं उसके अभी हम देखते हैं। देखो वो कितने प्रकार से पाए जाते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या था? स्थान। दूसरा पॉइंट था स्थान के प्रकार, यानी 10 वाले स्थान कितने प्रकार से आते हैं, 11 वाले कितने प्रकार से आते हैं, वो यहाँ बताने वाले, और वो क्यों आते हैं उसकी भी हम चर्चा करने वाले। तभी 793 हमने बीच वाला छोड़ा है, सासादन वाले की बात वो बाद में देखेंगे, क्योंकि एक ही गुणस्थान पर हम सभी बातें सीखेंगे तो ये हमको सरल लगेगा। तो 793 नंबर की गाथा हमको देखनी है। एकम चतिन्नि पंचय हिट्ठुवरी दो दुमच्छि मे छक्कम मिच्छे ठाण पयारा इगिदुगमिदरे सुतिन्नि देशोक्ती। देखो मिथ्या तो मैं 9 स्थान कहे, कौन से 9? 10 से 18 कितने हुए? उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस 1, क्योंकि 10 को भी गिनना है और 18 को भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा 10 से 18 8 हो गया, ऐसा नहीं है, 10 को भी गिनो ना। हाँ, इसलिए 9 स्थान हो गए। तो मिथ्या तो में 9 स्थान का, 9 स्थान का क्या अर्थ है? ये 10 प्रत्यय वाला कोई एक स्थान है, किसी जीव को 10 प्रत्यय है, किसी को 11 है, किसी को 12 है, किसी को 18 तक है। उनमें से 10 11 12 के नीचे के 3 स्थान और 18 17 16 के ऊपर के 3 स्थान, इनमें तो क्रम से 1 3 5 प्रकार है। अब ये कुछ नहीं समझा तो ये समझने के लिए जरा 695 पेज देख लो। मिथ्यात्व के सामने जो एक टेबल बनवाए, तो ऊपर की हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन में क्या लिखा है? 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम फिर ये वाक्य पढ़ते हैं टीका का, मिथ्यात्व में 9 स्थान कहे, कौन से? 10 से लेकर 18 तक। तो उसमें क्या है? 10 11 और 12 के नीचे के 3 स्थान, क्योंकि नीचे के 3 का अर्थ क्या है? ये 10 से लेकर 18 हमने एक लाइन में लिखे, तो 10 11 12 नीचे के 3 हो गए, और ऊपर के कौन से हो गए? 16 17 नहीं, 18 17 16। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि उनमें स्थान कितने, प्रकार कितने हैं। तो कहते हैं क्रम से 1 3 और 5। फिर से अभी 10 11 12 की बात करते हैं, ये नीचे के 3 स्थान है, उनमें क्रम से कितने कितने प्रकार हैं? 10 का एक प्रकार है, 11 के 3 प्रकार है, 12 के 5 प्रकार है। उल्टा करो, 18 17 और 16, 18 का एक प्रकार है, 17 के 3 प्रकार है, 16 के 5 प्रकार है। देखो एक दो लाइन की गाथाओं में वो सब उनको बताना है। अच्छा, तो 10 11 12 वाले कितने हैं? एक प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, और 18 17 16 में वही एक प्रकार, 3 प्रकार और 5 प्रकार। अभी तो हम केवल संख्याओं को गिन रहे हैं, वो क्या प्रकार होते क्या? अरे सुनो तो सही पहले, बाद में उस प्रकारों की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फिर टीका पढ़ते, देखो ये उसका भावार्थ लेते, भावार्थ देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, 10 और 18 के स्थान तो एक एक प्रकार के ही है, यानी किसी एक प्रकार से वो डिराइव कर से, उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। 11 और 17 के स्थान 3 3 प्रकार के हैं, और 12 16 के स्थान 5 5 प्रकार के हैं। अब बीच में कौन से रह गए? 13 14 और 15 है ना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। मध्य के 13 14 15 के 3 स्थान 6 6 प्रकार के हैं। तो मिथ्या तो में टोटल स्थान कितने देखे? 9, ऊपर 3, बीच में 3, नीचे 3, नीचे और ऊपर दोनों ओर से अंदर आना है, तो क्या है? 1
प्रकार, तीन प्रकार, पांच प्रकार, और बीच वाले तीन है वो छः छः प्रकार से स्थान आते हैं। ये कैसे है, क्या है, वो सब हम समझने वाले हैं, और वो कैसे डिराइव करना ये सब निकालेंगे। हमें उसका अर्थ भी अभी कुछ मालूम नहीं है, पर कुछ पहले सुनेंगे ना, तो पहाड़े याद करते थे तो उसका अर्थ समझ में आता था। तो पहले तो ऐसे रटते गए, बाद में उसका अर्थ भी ख्याल में आ जाता है। तो अभी तो हमने इतना ही देखा, आगे के सारे उन्होंने बताए हैं, सा साधन के कितने, मिश्र के, खाली पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो हम यही केवल मिथ्या तो कोई हम ना पढ़ाए। तो उन्होंने पांच प्रकार से आश्रमों का प्रकार कहना प्रारंभ किया, स्थान, फिर स्थान प्रकार, उसके बाद कूट, फिर कूट का उच्चारण, और उसके बाद भंग। तो मिथ्या तो गुणस्थान पर ही इसकी चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा इसका हम आगे देखते हैं, क्योंकि जब तक कूट नहीं बनाएंगे तब तक हमको उसका क्या, कैसे क्या देखना है उसको कुछ ख्याल में नहीं आने वाला। जरा हम यहाँ आश्रमों के विशेष देखते हैं ना, देखो चार्ट देख लो, अभी तो तीन चार मिनट है, हम पहले फिर दोबारा चार्ट के द्वारा इसको देख लेते हैं। सात नंबर का चार्ट है ना ऊपर, हाँ, आश्रमों के विशेष, विशेष का अर्थ है डिटेल्स, इसके और विस्तार से हम आश्रमों को जानने वाले हैं, वो एक जीव के एक काल में पाए जाने वाले जो होते हैं उसको क्या क्या कहते हैं, उसको कैसे लाना, उसकी बात है। पहला हमने कौन सा ये पांच प्रकार यहाँ बताने वाले हैं, वो पांच में से पहला कौन सा है, तो स्थान। स्थान किसको कहेंगे, एक जीव के एक काल में पाए जाने वाले प्रत्ययों का समूह का नाम है स्थान। वो स्थान कैसा, जघन्य, जैसे हमने मिथ्या तो में देखा जघन्य वाला 10 वाला स्थान है, और उत्कृष्ट वाला 18 वाला है, और मध्यम वाला 11 12 13 14 15 16 17 है, समझ में ना। तो स्थान किसको कहेंगे, एक जीव के एक काल में जितने नंबर ऑफ प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययों का समूह का क्या अर्थ है, जितने नंबर ऑफ प्रत्यय होते हैं, तो उसमें मिथ्या तो कितने हो गए, अविरति कितनी होगी, कषाय कितने हो गए, योग कितने हो गए, वो सारे का हम टोटल करेंगे तो उसको कहेंगे, वो कोई 10 वाला है, कोई 18 वाला है, कोई बीच वाला है, तो उसको कहेंगे स्थान। दूसरा क्या है, स्थान का प्रकार, स्थान का प्रकार यानी कितने प्रकार से वो 10 नंबर आ सकते हैं, उसको कहेंगे स्थान प्रकार। तो ये स्थान प्रकार यहाँ पर बताए, 10 वाला है वो एक प्रकार से आता है, 18 वाला भी एक प्रकार से आता है, 11 वाले तीन प्रकार से, 17 भी तीन प्रकार से आते हैं, फिर 12 पांच प्रकार से आते हैं, ये 16 भी पांच प्रकार से आते हैं, और बीच वाले तीन 6-6 प्रकार से आते हैं। इस तरह से वो स्थान प्रकार देखें। अब तीसरा कौन सा है, कूट के प्रकार, यानी कूट की रचना करना है। ये कूट यानी वो कैसे रखना है, क्या है, उसको हम देखने वाले अभी थोड़ी देर में, इसको कहेंगे कूट। तो कूट तो हमने बनाया, यानी उसका जो कुछ पिक्चर बनाना था वो हमने बनाया, तो कूट को किस तरह से समझना, उसका उच्चारण कैसे कहेंगे, वो जीवों को कितने प्रत्यय है, उसके कथन किस प्रकार से, जैसे प्रमाद के वेदों में हम कैसा कथन करते थे, वैसे यहाँ पर भी कैसे कथन करना, ये बात यहाँ बताने वाले। और फिर उसमें भंग कितने होते, क्योंकि नंबर ऑफ प्रकृति तो उतने ही रहने पर, नंबर ऑफ प्रत्यय उतने ही रहने पर, उसमें वो अलग अलग लेंगे उसके भंग कहना में, तो वो चेंज करने से कितने प्रकार के आश्रय होते हैं, इसकी बात हम चर्चा करने वाले हैं थोड़े ब्रेक के बाद। बोलो 2400 भगवान की जय।